जात पात के फेर में उलझी रही सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जाति की बीमारी इंसानियत को ही खा जाती है। जाति की इस बीमारी को भारत से अमेरिका जाने वाले सवर्ण लोग अपने साथ ले गए और इस कास्ट वायरस को अमेरिकी समाज में भी फैला दिया, अमेरिकी समाज को भी बीमार बना दिया। लेकिन अब अमेरिका में जाति की इस बीमारी का पक्का इलाज किया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जाति के आधार पर भेदभाव करने पर बैन लगाने वाले ऐतिहासिक बिल को एक और कामयाबी मिल गई है। एंटीकास्ट बिल SB 403 को कैलिफोर्निया की सीनेट में भी पास कर दिया गया है। बीती रात जब आप सब भारत में सो रहे थे, तब कैलिफोर्निया में इतिहास रचा गया। कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट ने एंटीकास्ट बिल को SB 403 जो बिल है उसको बहुमत से पास कर दिया। बिल के समर्थन में कुल 34 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ एक वोट डाला गया। Madam Secretary, please call the absent members. Becker, Daly, Grove, Sayarto. एंटीकास्ट बिल SB 403 का सीनेट में पास होना अमेरिकी इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। सबको साथ लेकर चलने वाले अमेरिकी ड्रीम में अब जाति के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। एंटीकास्ट बिल SB 403 सीनेट में पास हो चुका है और अब इसे कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में पेश किया जाएगा। असेंबली में भी वोटिंग होगी और अगर ये बिल वहां भी इसी तरह से पास हो जाता है तो फिर इसे कैलिफोर्निया के गवर्नर के पास साइन करने के लिए भेजा जाएगा और फिर कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा जहाँ जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। ऐसे में अगर कैलिफोर्निया में कोई जातिवाद करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीनेटर आयशा वहाब ने इस बिल को पेश किया था। अफगानी मूल की महिला सांसद आयशा वहाब ने जाति के खिलाफ इस लड़ाई में, इस निर्णायक लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें बिल का विरोध करने वाले सवर्णों ने धमकियां दी, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, लेकिन वो डटी रही। आयशा वहाब सदन में हेवर्ड और फ्रीमोंट इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां दक्षिण एशिया के लोगों की खासी संख्या है, बहुतायत में है, लेकिन बावजूद इसके वो न्याय के पक्ष में खड़ी रही। एंटीकास्ट मूवमेंट में उनकी इस भागीदारी को हमेशा याद रखा जाएगा। इस आंदोलन की सबसे खास बात ये भी है कि ये पूरा आंदोलन महिलाओं की अगुवाई में लड़ा गया है। So in my, you know, our main goal was to have a peaceful demonstration. We did not want to create any, you know, chaos. We don't want people fighting or arguing because it's very easy to get out of control. So that was our main focus. You know, we want to demonstrate, but without any fighting. And so, you know, people here in America, I should say, not just only California, you know, we have learned to respect each other's way of life. So we, if somebody says, you can, you know, respectfully disagree with them. You don't have to argue with them. You can just listen to it and just kind of pass on. Am I right? We don't want to create hostile environment for anybody. So women here understand that. And even though people that moved here from India, you know, now they know in India, a lot of women, as you know, can't say a lot of things. They can't go to protests. So they can't speak out to protect themselves, right? So here we are privileged. I would say we are privileged to have that right. So we have the right to speak. We have the right to express how we feel. We have the right to be treated like humans. कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में सीनेट कमेटी में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी, तब भी अपना पक्ष रखने के लिए बड़ी संख्या में रविदास या बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी महिलाएं वहां मौजूद थी। इससे पहले सीनेटरों के बीच बिल के पक्ष में प्रचार करने के लिए भी ज्यादातर महिलाएं ही आगे आई। इन सब के बीच कुछ चेहरे जो है वो चर्चा में आए, उन्हें प्रशंसा भी मिली और उन्हें बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ा। अमेरिका के जातिवाद विरोधी आंदोलन में इस समय सबसे जाना पहचाना जो नाम है वो तन्मयी सुंदरराजन का है, जो इक्वेलिटी लैब की डायरेक्टर हैं। तन्मयी और उनकी टीम ने दिन रात इस सपने को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। You know, as Smitha mentioned earlier, this really is the work of Dalit feminists organizing for almost a decade when we first had the caste in the United States survey come up and that
prove that caste discrimination is happening in the United States. And the main point here is that this is a civil rights issue, this is a workers' rights issue, and that caste discrimination shows up in multiple ways. It shows up in education, it shows up in housing, and it shows up in the workplace. So it is absolutely a workers' rights issue. And I think what really makes this, you know, makes us so strong is that we have a strong coalition called the Californians for Caste Equity, who is made up out of interfaith, intercaste, and multiracial organizations from all faiths that have come together to support us. And one of our organizations in the coalition is Hindus for Caste Equity, who is, you know, the bill as well. So we know that this is not targeting any type of religion, because caste discrimination exists across multiple communities, as we know. And really, the organizing is more so, you know, bringing the community together. So bringing all of the Ambedkarite organizations, the, you know, Ravidasya community has been absolutely amazing. And I'm so proud to be a part of that community, and seeing my community mobilize in such an amazing way together has been just incredible to see and witness. You know, all of the other organizations who realize that this simply is a human rights and a civil rights issue. And this is why, you know, we need to include this into the anti-discrimination policy. Mata Savitribai Phule ki ye betiya America mein dahad rahi hain. Ye hum sab ko prerit karne wala hai. California anti-caste movement mein Ravidasya community ki bhumika ka bhi zikr kiya jana bahut zaruri hai. जिस तरह से रविदासिया कम्युनिटी ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाने के लिए जो काम किया वो तारीफ के काबिल है। राजधानी सैक्रामेंटा का रविदासिया गुरुद्वारा एक पावर सेंटर के रूप में उभरा, जहां अंबेडकरवादियों की मीटिंग्स होती थी, रणनीति बनाई जाती थी, पोस्टर बैनर तैयार किए जाते थे और आंदोलन में हिस्सा लेने वाले साथियों के लिए लंगर भी तैयार किया जाता था। रविदासिया महाराज के बेगमपुरा के सपने को आप यहां हकीकत होते हुए देख सकते हैं। So since then, you know, all over रविदासिया community, all over California, they working with each other very strongly, and we show that all over gurdwaras are kind of open for any kind of meetings. We've been having a continuous meetings, kind of every other week or weekend as we need it. We working very closely with the Telmui and their you know direction. So that's how we follow each kind of protocol which we were supposed to use in order to you know pass this bill. So hum kahi, this is the first time that happened. You know, all our community, they are united, and also they are working very aggressively, because agar ye aisa ye sab ho jayega ye bill to aap 100% pass hoga 101%, kyunki aaj jo voting hui hai out of 40 34 senators say yes. Five were absent. Only one person out of 40, he say no. So it's amazing. It's pretty much unanimously, you know, it's already approved. So जब ये बिल कांग्रेस में जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर जो केसेस हुए हैं वो तो ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद ही फाइल कर रही है लासू अगेंस्ट सिस्को कंपनी. अगर स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर रही है, so they know how badly they need this kind of you know bill to avoid all this kind of unnecessary future discrimination lawsuits, you know. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कौन, छोट बड़ो सब सम बस है, रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जिस बेगमपुरा की बात करते हैं, कैलिफोर्निया उसी बेगमपुरा की तरह बनता जा रहा है, वो खाबों की नगरी बनता जा रहा है। अमेरिका में बसे दलित बहुजन एकजुट होकर इस आंदोलन को कामयाब बना रहे हैं। इस जाति विरोधी कानून के सीनेट में पास होने में अमेरिका में बसे अंबेडकरवादियों की ताकत भी दिखाई दी। कैलिफोर्निया के रविदासिया समाज ने जहां आंदोलनकारियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई, तो वहीं इक्वालिटी लैब की तन्मोई सुंदरराजन जैसे साथियों ने अफगानी मूल की सांसद आयशा वहाब के साथ मिलकर कानूनी बारीकियों पर काम किया और जनरल कंसेंसस बनाने यानी लोगों को समझाने का बीड़ा उठाया। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से लेकर अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और ऐसे तमाम अंबेडकरवादी संगठनों ने तन मन धन से इस आंदोलन को कामयाब बनाया है। कैलिफोर्निया फोरकास्ट इक्विटी कोलिशन से दुनिया भर के अंबेडकरवादी संगठनों को सीख लेनी चाहिए कि आंदोलन भला कैसे चलाए जाते हैं।
अमेरिका का ये एंटी कास्ट मूवमेंट ग्लोबल अम्बेडकराइट कम्युनिटी को और मजबूती देगा। तो जब भी हम इसके पहले यूनाइटेड नेशंस में कास्ट का क्वेश्चन उठाते थे तो इंडियन गवर्नमेंट कहती थी कास्ट तो अबॉलिश हो चुका है 1950 में और ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? इवन अगर आप डर्बन कॉन्फ्रेंस में भी देखें, हर जगह पे यही हुआ है। तो अभी इस क्योंकि कास्टिस लोग तो हर जगह पे हो गए, फैल गए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? तो जैसे हम बहुत सारे जगहों से यूरोप से सुनते हैं और यूरोप में भी ऐसा बिल लाने की कोशिश की गई थी, राइट? तो जैसे हम बहुत सारे दूसरे देशों से भी ये सुनने में अभी आता है कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हर कंट्री में जहां पर भी कैस्टिस लोग गए हैं वहां पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फैला के रखा है। तो उसके वजह से ये मूवमेंट डेफिनेटली ग्लोबलाइज होगा और होना भी चाहिए, और हम उसमें जितना एफर्ट मतलब हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा हम करने के लिए तत्पर है। लेकिन अभी इसके बाद यूनाइटेड नेशंस में या कहीं और जब कास्ट का इश्यू आएगा, देन कास्ट वोंट बी वन कंट्रीज इश्यू और कास्ट वोंट बी वन रीजन्स इश्यू, नाउ इट हैज बिकम अ ग्लोबल इश्यू, सो देयर विल बी डेफिनेट डिस्कशंस ऑन कास्ट, so people will become more accountable because of this. So I think that is the reason why this is so important, and I hope that whatever we are doing over here is bringing much more self giving much more self confidence and respect to people back in India, and it remobilizes the kind of movement that Baba Saheb was leading, it remobilizes the kind of movement that Kanshiram ji was leading, and we bring in that movement back up again. 150 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अमेरिका में ब्लैक्स लोगों के आंदोलन का साथ दिया था। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के अश्वेतों को समर्पित करते हुए उन लोगों को याद किया था जो दासता के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े थे। 150 साल बाद अमेरिका अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में भारतीय लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। यह अपने आप में ऐतिहासिक और ऊर्जा से भर देने वाला है। वंचित वर्गों की ये लड़ाई हमें भविष्य का रास्ता दिखाने का काम करेगी। अमेरिका में बसे तमाम अम्बेडकरवादी साथियों ने ये साबित कर दिया है कि वो अब जातिवाद नहीं सहेंगे और दुनिया भर में इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। ये बिल सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम होगा, क्योंकि इससे बाकी देशों में जाति के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इससे पहले अमेरिका के ही सिएटल शहर में भारतीय मूल की सांसद समा सावंत और अंबेडकरवादियों की कोशिशों से जाति के खिलाफ कानून पास हो चुका है। अब अगर कैलिफोर्निया में भी ये बिल पास हो जाता है, सीनेट ने पास कर दिया, असेंबली में वोटिंग होगी और जो गवर्नर हैं वो इस पर साइन करेंगे, ये फिर कानून बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बैन होगा, यानी वहां जाति सूचक बातें कहना, किसी के साथ जाति भेद करना, काम की जगह पर, दफ्तर में, कॉलेज में, स्कूल में, किसी दुकान पर, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाति सूचक बातें कहना या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई जाति के आधार पर भेदभाव करना, इसकी मनाही होगी। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों पर मुकदमा चलेगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और वहां ना ही पुलिस वाले आपकी जाति के होंगे और ना ही फैसला सुनाने वाले जज आपकी जाति के होंगे कि आपको आपके कास्ट प्रिविलेजेस का फायदा मिल जाएगा। इसलिए वहां जातिवादियों को खुद को जन्मजात श्रेष्ठ बताना और दूसरों को नीचा समझना बहुत भारी पड़ेगा। उन्हें पकड़कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में भी जातिवाद करने वालों की खैर नहीं होगी। कैलिफोर्निया और सिएटल ने इसकी शुरुआत कर दी है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि भारत के जो लोग हैं वो दुनिया में जहां भी जाएंगे वो जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और जातिवादियों ने जाति का ये वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन अमेरिका से उठ रही मजबूत आवाजें इस एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं।
हम उन सभी आवाजों का हौसला बढ़ाते हैं। इस एंटी कास्ट मूवमेंट में हमें अपने सभी अम्बेडकरवादी साथियों पर बहुत गर्व है। अमेरिका में इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई है, लेकिन भारत का मनुवादी मीडिया अम्बेडकर वादियों की इस जीत पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। मीडिया में ना ही इस पर ज्यादा बहस हो रही है और ना ही इस पर ज्यादा खबरें प्रकाशित हो रही हैं। भले ही मनुवादी मीडिया आपकी आवाज ना उठाए, लेकिन आपका अपना बहुजन मीडिया इस आवाज को उठाता रहेगा और अपने आने वाली जनरेशन के लिए ऑडियो वीडियो आर्काइव बनाता रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? जो बिल वहां पर एंटी कास्ट बिल SB 403 सीनेट में पास हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। हमें कोई और प्रमोट करे ना करे, लेकिन आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग तो जरूर प्रमोट करें, एक दूसरे को इसका संदेश पहुंचाएं, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके, वो समझ सकें कि इस समय अमेरिका में कैसे एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।